हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कहानी सुनो 2.0 के कवर्स पर। टोटल 9 कवर्स है, कुछ इंडियन है, कुछ पाकिस्तानी है और एक यहाँ पर अमेरिकन भी दिख रहा है मुझे, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये फर्स्ट कवर है प्रबोधिनी सिंह के तरफ से, लेट्स चेक इट आउट। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। काफी सॉफ्टर वर्जन है। आए सुनो सजाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार। कैफी खलील के वर्जन से काफ़ी डिफरेंट था ये कवर, ऑब्वियसली थोड़ा स्वीटर सॉफ्टर बट स्टिल नाइस। ये नेक्स्ट वाला अर्शमान ने गाया हुआ है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है इतने यंग एज पे, लेट्स चेक इट आउट। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहां, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, इसका वॉइस सूट हो रहा है। He's so talented at such a young age. वैसे मुझे एक्चुअली लग रहा है इसके वॉइस को सूट कर रहा है ये सॉन्ग, क्योंकि कैफी खलील भी काफ़ी उनके वॉइस में भी एक रॉनेस है, बहुत ही रॉ टाइप का है। एंड अर्शमान का मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने पहली बार सुना था अर्शमान को, मैंने बोला था एक बहुत रिच टेक्सचर है वॉइस में, बहुत ही सा प्लेन सिंपल सा वॉइस नहीं है, तो आई थिंक हिज वॉइस रियली सूट्स दिस सॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम शुद्धि, इंडियन है एंड ये एक रिप्लाई वर्जन है, कहानी सुनो 3.0 टाइटल दिया हुआ है, तो लेट्स चेक इट आउट। ऐसे सारे आर्टिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, प्लीज सपोर्ट देम। काफी इंटरेस्टिंग है, चेंज किया लिरिक्स को। आई अप्रिशिएट दिस वन, क्योंकि मुझे प्यार हुआ, सिर्फ सिंग नहीं किया खुद के वॉइस में, लिरिक्स में चेंजेस किया एंड जो प्रोडक्शन वैल्यू है इट्स रियली नाइस। मुझे ये वाला बहुत पसंद है, दिख रहा है कि कितना एफर्ट लिया गया है इसमें। आयमा के तरफ से नेक्स्ट वन, काफी बिग आर्टिस्ट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। इनका सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रॉन्ग वॉइस है। कहानी सुनो जुबानी सुनो, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, ले ले बुलाए। आई नो कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन कैफी खलील का ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं यहाँ पर। आयमा को बहुत पसंद करता हूँ, अगर आप लोग बहुत टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है आई रियली लाइक हर स्ट्रॉन्ग वॉइस। ये थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोसेस टाइप का, ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, वो रॉनेस मिसिंग लगता है इसलिए।
वेरी वेल मेड। ये वाला क्लिप कहाँ का है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा दूल्हा गा रहा है क्या ब्राइड के लिए? दैट इज सो कूल। हर लड़की का ड्रीम होगा ऐसा, हर लड़की का नहीं लेकिन काफी लोग पसंद करेंगे। और उसके फेस पे स्माइल भी देखो। वैसे ऑडियो इतना अच्छा नहीं है, ऑडियो क्वालिटी काफी, बट दिस इज स्टिल वेरी स्वीट। इतने लोग चेयर भी कर रहे हैं उसके लिए। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम राजिक मुजावर और ये एक इंडियन है। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरे चाहत में कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे। This is also very nice, pleasant है काफी। इकरार हुआ था कहानी सुनो। Difference बहुत है लेकिन still very pleasant to hear। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। हरीम राशिद, she is a Pakistani TikTok / Instagram star। मेरी आँखों में बसता है तेरा चा कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सका मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा तो आए सुनो सदाए सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। सच अ स्वीट वॉइस। ये पर्टिकुलर कवर अपेरेंटली अमेरिका से है, फहाद अजीम ने गाया हुआ, शायद अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी है। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे। ये वॉइस भी सूट कर रहा है। ज़्यादा स्मूथ और ऐसा होता है ना बटरी स्मूथ वॉइस, वो इतना सूट नहीं करता है। जरा देखो यहाँ तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही आसरा सदाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था प्यार हुआ था प्यार हुआ था। वेरी नाइस। ये वाला कवर भी मुझे पसंद है, ऐसे वॉइस सूट करता है इस सॉन्ग को। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट कवर और ये है एक पाकिस्तानी की तरफ से, निहाल नसीर। दीवाना हुआ ये विदाउट म्यूजिक है, मस्ताना हुआ सिर्फ वोकल्स। तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना सदाएं सुनो जफाएं सुनो हमें प्यार हुआ था इकरार हुआ था। वैसे मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पीछे जो बैकग्राउंड में के-पॉप के पोस्टर, बीटीएस फैन लग रही है। तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं
सदके उतारे तमन्ना तुम्हें अपना बनाए नहीं मुश्किल वफा। वाइब्रेशन बहुत अच्छा, कंट्रोल अच्छा हुआ इसका। तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, हमें प्यार हुआ था इकरार। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में सारे आर्टिस्ट के लिंक होंगे, प्लीज़ चेक देम आउट, प्लीज़ सपोर्ट देम, क्योंकि सारे काफ़ी टैलेंटेड थे। आई थिंक मेरा ओवरऑल फेवरेट कहानी 3.0 बाय शुद्धि, जो वो रिप्लाई वर्जन था। कहानी 2.0 में जो बोला गया उसका रिप्लाई में जो बताया, लिरिक्स चेंज किया, जो म्यूज़िक वीडियो पे एफर्ट लिया, आई रियली लाइक दैट। एक कवर भी बुलाना आई थिंक इनजस्टिस होगा, बहुत वेल मेड। फिर आवाज़ के हिसाब से काफ़ी लोग ने अच्छा किया, अरशमान का बहुत अच्छा था, सूट कर रहा था, एंड वो शादी वाला दैट वाज एंटरटेनिंग टू सी, काफ़ी क्यूट था। फहद अजीम का जो था वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, बट या एवरीवन वाज वेरी टैलेंटेड ऑब्वियसली। और मेरे जैसे पर्सन को जज करना भी नहीं चाहिए, आई एम सुपर बैड एट सिंगिंग, तो मेरे ओपिनियंस को सीरियसली बिल्कुल मत लो। कॉमेंट्स में बताओ कि एक्चुअली आप लोग को कौन सा कवर सबसे ज़्यादा पसंद आया, एंड अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।